असलकम uh, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन फ़ाइव प्रोज एंड इट्स मेजर फॉर्म हमारी सीरीज जो है वो इस बुक इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज एम सी क्यूज़ बट्टी पब्लिशर की ये बुक है और इस बुक का हम जो है वो सेक्शन फाइव आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो सेक्शन फाइव में प्रोज एंड मेजर फॉर्म्स हैं प्रोज़ हमारे पास जो वर्क है उसकी डिफरेंट यहाँ पे सिक्स मेजर फॉर्म्स सी गई हैं सबसे पहले हमारे पास लॉन्ग प्रोज वर्क आ जाता है प्रोज में आपको पता है पोइट्री uh, में फिगरेटिव लैंग्वेज होती है लेकिन प्रोज में हमारे पास सिंपल और प्लेन लैंग्वेज होती है कोई फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ नहीं होता सिंपल सेंटेंसेस होते हैं सीधी सीधी बात होती है और नंबर टू पे हमारे पास ऐसे ऐसे आ जाती हैं द ऐसे ये डिफरेंट जो है वो प्रोज की फॉर्म्स हैं और प्रोस के फर्दर जो है हम कैटेगराइज करें योनरा को तो ये फर्दर उसके जो है वो यौनराज आ जाते हैं ऐसे ठीक है सिंपली आप जो है वो किसी को कन्वेंस करने की कोशिश करते हो या किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आप जो है वो रीडर को इन्फॉर्म करते हो ऐसे के थ्रू पीरियोडिकल जर्नल्स जो होते हैं उसमें स्पेशली नई किस्म की जो है वो चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जाती है उसकी सिंपली एग्जांपल जो है वो न्यूज़पेपर है पेॉडिकल जर्नल्स जो है इसकी सिंपल एग्जांपल न्यूज़पेपर है जो कि कॉन्टीन्यूशन रहती है रोज़ रोज़ नई जो है वो न्यूज़ बनाई जाती हैं रोज़ रोज़ न्यूज जो है वो न्यूज़ आती हैं डिफरेंट जो है वो इंटरास्ट से रिलेटेड सो इसकी सिंपल एग्जांपल यहाँ जो है वो न्यूज़ है पेआडिकल जर्नल की बायोग्राफी यौनरा जो है इसमें Uh, कोई भी राइटर किसी दूसरे राइटर की लाइफ के बारे में जो है वो लिखता है उसकी स्ट्रगल के बारे में उसके मेजर वर्क के बारे में उसका क्या आ, जो है वो करेक्टरिस्टिक्स uh, है उसके वर्क की नंबर फाइव पे हमारे पास आ जाती है ऑटोबायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी में राइटर जो है वो खुद अपनी लाइफ डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखता है और इस तरह का जो वर्क होता है वो ऑटोबायोग्राफिकल वर्क कहलाता है सिक्स नंबर पे हमारे पास आ जाती है मेमरीज मेम जो है वो मेमोरीज वर्क जो है वो लिखे जाते हैं जिसमें मेमोराइज किया जाता है राइटर को या उसके वर्क को चलें प्रोस से रिलेटेड जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो जो है वो हम स्टार्ट करते हैं नंबर वन से हंड्रेड टोटल एम सी क्यूज़ हैं इसके इसके भी नंबर वन एम सी क्यूज़ है uh, कौन सा जो है वो लॉन्ग प्रोज़ वर्क है ठीक है uh, मतलब कौन सा इंग्लिश में कौन सा लॉन्ग प्रोज वर्क जो है वो अर्लीस्ट माना जाता है किस राइटर का तो यहाँ पे हमारा आंसर ए uh, जो है वो करेक्ट है मेलोरीज मोर्टेडी आर्थर को जो है वो अर्लीस्ट प्रोज वर्क माना जाता है लॉन्ग प्रोज वर्क माना जाता है एम सी क्यूज नंबर टू द लेजेंड ऑफ किंग आर्थन एंड हीज नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल वॉज फर्स्ट रिलेटेड इन प्रोज बाय अच्छा जो लेजेंड किंग आर्थर उसके नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल हैं वो सबसे पहले प्रोज में किससे जो है वो रिलेट किया गया ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर मेलोरी इन हिज मोर्टेडी आर्थर ठीक है ये जो है वो हिस्टोरिकल uh, एक इवेंट है जिस पर जो है वो वर्क लिखा गया तो इसमें जो है वो प्रोज वर्क में मेलोरी ने जो है मोरटेडी आर्थर से जो है वो रिलेट किया था अच्छा एम नंबर थ्री वॉट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ लेमेंस ब्रट लेमेंस ब्रट जो है जो वर्क है ठीक है उसकी मेजर थीम क्या है उसकी सेंट्रल थीम क्या है तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर किंग आर्थर एंड हिज नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल किंग आर्थर और उसके नाइट्स और उनकी राउंड टेबल से रिलेटेड जो है वो लेमेंस ब्रट है उसकी सेंट्रल थीम एम सी क्वेश्चन नंबर फोर वेक्लिप्स बाइकबल इज़ अ ट्रांसलेसन ऑफ बाई की जो बाइबल है वो किसकी ट्रांसलेशन है ग्रीक टेक्सट की लैटिन की हिब्रू की एंग्लो सेक्सन की तो यह हमारे पास बी इज द राइट आंसर लेटिन टेक्स की जो है वो ट्रांसलेशन है एम सी क्यू नंबर फाइव किस साल में जॉन वक्लिफ ने जो है uh, वो बाइबल की ट्रांसलेशन की थी इंग्लिश में तो इसका राइट आंसर है थर्टीन एटी ऑप्शन बी uh, तेरह सौ अस्सी में उन्होंने जो है वो बाइबल की ट्रांसलेशन की थी इंग्लिश में एम सी क्यूज नंबर सिक्स ये इन वर्क में से कौन सा वर्क है जिसे हम बाइबल का अर्लीस्ट वर्जन जो है वो कह सकते हैं ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर विलियम टेंडेलिस के की जो इंग्लिश न्यू टेस्टामेंट है उसे हम बाइबल का अर्लीस्ट वर्जन कह सकते हैं एम सी क्यूज नंबर सेवन नोवम ऑर्गेनम का ऑथर कौन है नोवम ऑर्गेनम का ऑथर कौन है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर बेकन एम सी क्यूज नंबर एट विच ऑफ द फॉलोइंगज द ऑथर ऑफ रिलीजियो मेडिसी रिलीजियो मेडिसी का इनमें से कौन सा राइटर है जो रिलीजियो मेडिसी का जो है वो ऑथर है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर सर थॉमस ब्राउन एम सी क्यूज नाइन वट मिल्टन की जो एरूपेजिटिस है उसकी जो है वो सेंट्रल थीम क्या है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर टू डिफेंड पीपल्स फ्रीडम ऑफ स्पीच दिस इज़ ऑप्शन सी ये जो है वो राइट right आंसर है कि लोगों की जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको डिफाइन करना इसकी जो है वो थीम है और मिल्टन की अगर हम रियल लाइफ को देखें तो ऐट दाइम भी यही सिचुएशन जो है वो चल रही थी एम सी क्यूज नंबर टेन मिल्टन जो है वो ये जो टाइटल है एरविजीसा जो है वो डराइव किया है ग्रीक्स वर्ड से ठीक है एरियो पैगस तो ये एरियोपैगस का जो है वो क्या मतलब है मतलब मिल्टन की जो पोइम है सॉरी ये जो प्रोज वर्क है ये किसी एक ग्रीक वर्ड एरियोपैगस से जो है वो डराइव्ड है तो इस एरियोपैगस का मतलब क्या है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ठीक है ये ग्रीक हिल है वेर आर ट्यूबनल फॉर लिबर्टी ऑफ स्पीच वाज़ हेल्ड दिस इज द राइट आंसर ऑप्शन सी वट इज द सेंट्रल थीम ऑफ थॉमस ब्राउन्स हाइड्रोटेफिया थॉमस ब्राउन का जो हाइड्रोटेफिया है उसकी सेंट्रल थीम क्या थी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर डिफरेंट मैथड्स हाउ द डेड बॉडीज वर डिस्पोज्ड ऑफ ये हमारा जो है वो राइट right आंसर है हाइड्रो हाइड्रो हाइड्रोटेफिया का जो सेंट्रल थीम है थीम है वो है डिफरेंट मैथड्स हाओ द डेड बॉडीज वर डिस्पोज्ड ऑफ एम सी क्यूज ट्वेल्व ऐसे उन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग का ऑथर कौन था ऐसे उन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग का ऑथर था ऑप्शन सी इज द राइट आंसर जॉन लॉक एम सी नंबर थर्टीन सार्टर रिसार्ट का लिटरल मीनिंग ठीक है क्या है जो कि टाइटल था कार्लीले ने दिया था अपने ठीक है किसी एक ट्रिटाइज को प्रोपोज आ, प्रोज में सार्टर सार्टर रिसार्ट का जो है वो मीनिंग क्या है तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर द फिलोसफी ऑफ क्लॉज इज द मीनिंग ऑफ सार्टर रिसार्टर्स एम सी क्यूज फोर्टीन ने जो है वो अपनी ट्राइज़ ऑन द एस्ट्रो एस्ट्रोलेबल जो है वो डेडिकेट की थी किसको की थी ऑप्शन इज द राइट आंसर हि सन लेविस। एम सी क्यूज फिफ्टीन सी पेपिस की जो डायरी है ठीक है वो लिखी गई कोडेड लैंग्वेज में और कब जो है ये हमें मिलती है या कब पब्लिश होती है तो ये है एटीन ट्वेंटी फाइव में एम सी क्यू सिक्सटीन मिस्टर बैडमैन का ऑथर कौन है ऑप्शन सी जॉन बनियन इज द ऑथर ऑफ़ मिस्टर बैडमैन एम सी क्यू सेवनटीन हु कॉल द एटीन सेंचुरी द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन एटीन सेंचुरी को एज ऑफ प्रोज एंड रीजन किसने कहा ऑप्शन ए मैथ्यू आर्नोन ने जो है वो कहा था एटीन सेंचुरी को द एज ऑफ फ्रोजन रीजन एम सी क्यूज नंबर एटीन हु इज द ऑथर ऑफ डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर बहुत जनरल एम सी क्यूज हैं कि द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर का ऑथर कौन है तो ये है एडमन गेबन एम सी क्यूज नंबर नाइनटीन Uh, रस्किन की जो अन टू द लास्ट पोज वर्क है वो क्या है किसके बारे में ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर हिज लास्ट कलेक्शन ऑफ एसेज अन टू दिस लास्ट उसका क्या है उसकी लास्ट कलेक्शन है एसेज की एम सी ट्वेंटी ठीक है इंक्वायरी कंसर्निंग पोलिटिकल जस्टिस का राइटर जो है वो कौन है विलियम गॉडवन विलियम गॉडवन जो है वो इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस का जो है वो राइटर है अट्ठा इसमें बहुत जनरल और बहुत इजी जो है वो एम सी क्यूज है आप देखें सार्टर रिसार्टस का जो है वो ऑथर कौन है एम सी क्यूज ट्वेंटी वन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कालेले जो है वो सार्टर रिस रिसार्टर का जो है वो राइटर है एम सी क्यूज ट्वेंटी टू इज द ऑथर ऑफ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज यंग मैन पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अंग मैन बहुत ईजी एम सी क्यूज़ है राइटर कौन है जेम्स जॉयस जो है वो इनके राइटर हैं बहुत बड़ा नाम है जेम जॉयस का बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है ये प्रोज वर्क में और जो है वो नॉवल्स में रस्किन की जो बुक है सी सेम एंड लिलीज तो यहाँ पे लिलीज जो है वो किसको सिंबलाइज करती है उनके वर्क में सी सेम एंड लिलीज जो है वो किसको लिलीज किसको सिंबलाइज करती है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर प्योरिटी एंड इनसेंस ऑफ वुमेन वुमेन की इनोसेंस सेंस ऑफ प्योरिटी को सिंबलाइज करती हैं लिलीज एम सी क्यूज ट्वेंटी फोर रस्किन की जो सीसीम एंड लिलीज है इसकी सेंट्रल थीम क्या है ऑप्शन बी वेल्थ ऑफ विजडम विजडम कंटेंट इन द बुक्स ये इनकी जो है वो इस सी सी लिलीज की जो है वो सेंट्रल थीम है ऑप्शन सॉरी एम सी क्यूज ट्वेंटी फाइव टू चेयर्स फॉर डेमोक्रेसी का राइटर जो है ऑथर uh, कौन है टू चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी का राइटर हैं ई एम ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ट्वेंटी सिक्स हु इज़ द ऑथर ऑफ कन्फेशन इंग्लिश फेम ईटर इंग्लिश फेम ईटर का जो है वो ऑथर कौन है तो इसका आंसर है ऑप्शन सी थॉमस डी क्वेंसी ये जो है इनके इस वर्क के राइटर हैं एम सी क्यूज ट्वेंटी सेवन ह्यूमन बॉन्डेज का ऑथर कौन है ह्यूमन बॉन्डेज का ऑथर है सोमरसेट मैगम सोमरसेट मैगम जो है वो ह्यूमन बैंडेज का ऑथर है अट्ठाईस एम सी क्यूज मैथ्यू आलनर्ड्स का जो कल्चर एंड आर्ट अनाकी है वो किस से डील करता है रिलीजन से थियोलॉजी से मीन I mean उसकी सेंट्रल शे, थीम क्या है तो ये डील करता है एथिक्स से एथिक्स से, एथिक से इसकी सेंट्रल थीम है एम सी क्यूज ट्वेंटी नाइन बेसिक थीम क्या है आलनर्ड के लिटरेचर एंड डोगमा की तो बेसिक थीम जो है वो थियोलॉजी है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर एम सी क्यू थर्टी वट इज़ द बेसिक थीम ऑफ द ऑफ द बैटल ऑफ द बुक्स द बैटल ऑफ द बुक्स की सेंट्रल थीम या बेसिक थीम क्या है ऑप्शन इज द राइट आंसर कंपेरेटिव स्टडी ऑफ मॉडर्न एंड एनशियट पोइट्स ठीक है मॉडर्न और एनशियट पॉइंट जो पुराने पोइट्स थे उनकी कम्पेरेटिव स्टडी जो है वो इनके इस बुक की जो है वो बेसिक थीम है एम सी क्यू थर्टी वन ठीक है ओफी मेटर कौन है डी क्वेंसी का जो वर्क है ओफी मेटर ठीक है वॉक का नाम है कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश फीमेटर तो इसमें ओफी कौन है तो ऑप्शन इज अ राइट आंसर डी क्वेंसी जो राइटर है वो खुद उसमें जो है वो अफीमीटर है एम सी क्यूज थर्टी टू हीरो वर्शिप का ऑथर कौन है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर थॉमस कार्लेली जो है वो एंड हीरो वर्शिप के ऑथर हैं एम सी थर्टी थ्री द वर्दीज ऑफ इंग्लैंड का ऑथर कौन है वर्दीज ऑफ इंग्लैंड का ऑथर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर थॉमस फुलर एम सी क्यू थर्टी फोर द न्यू एटलांटिस का ऑथर कौन है तो न्यू एटलांटिस का ऑथर है फ्रांसिस बैकन प्रोज में इनका भी बहुत बड़ा नाम है एम सी क्यू थर्टी फाइव इमेजनी कॉन्वर्सीशन्स का ऑथर कौन है हु इज द ऑथर ऑफ इमेजनिंग कॉन्वर्सेशन इमेजनिंग कॉन्वर्सेशंस के ऑथर है सेविज लैंडर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर थर्टी सिक्स हु डिफाइंस द एस एज लूज सेली ऑफ द माइंड किसने जो है वो ऐसे को कहा कि वो लूज सेली ऑफ द माइंड है तो ये है डॉक्टर जॉनसन सेम्यूल जॉनसन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर थर्टी सेवन ही इज बिलीव टू बी द फादर ऑफ द एसे किसे जो है वो फादर ऑफ एसे जो है वो कहा जाता है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर मोन्टैगनी ऑप्शन नंबर एम सी क्यूज नंबर थर्टी एट कौन सा जो है वो राइटर हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ़ द एफोरिस्टिक एसेज इन इंग्लिश एफोरिस्टिक एसेज इन इंग्लिश एफोरिस्टिक एसेज इंग्लिश में ठीक है उसका जो उनके उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर है वो कौन है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर सर थॉमस ब्राउन अच्छा थर्टी नाइन एम सी क्यूज़ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज है कि बेकन के ऐसे जो है वो मॉडल किए गए हैं किसके एसेज पर मॉडल किए गए हैं यानी कि किस से इंस्पायर्ड है वो तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर मोन के एस से जो है वो इंस्पायर्ड है फोर्टी एम सी क्यूज हाउ मैनी एसेज वेयर इन बेकन थर्ड एंड लास्ट एडिशन ऑफ एस पब्लिश्ड इन ट्वेंटी फाइव अभी देखें उनका जो थर्ड एडिशन पब्लिश हुआ था वो सोलह से पच्चीस में हुआ था ये एम सी क्यूज भी आ सकता है और उनके थर्ड और लास्ट एडिशन में कितने ऐसे पब्लिश हुए थे तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है फिफ्टी एट फोर्टी वन एम सी क्यूज हु इज द ऑथर ऑफ अ कलेक्शन ऑफ एसे पब्लिश अंडर द टाइटल डिस्कवरीज अच्छा अब जो डिस्कवरीज जो वर्क कलेक्शन ऑफ एसे जो है वो पब्लिश हुआ था ठीक है डिस्कवरीज इसमें तकरीबन ऐसे एस तो ये वर्क किसका है सी इज द राइट आंसर बेन जॉनसन की है ये कलेक्शन ऑफ एसेज डिस्कवरीज फोर्टी टू एन ऑथर सम कैरेक्टर स्केचेस अंडर द टाइटल बेल मैन ऑफ लंडन हु इज दिस ऑथर कौन है ये ऑथर ठीक है एक ऑथर था जिसने कुछ करेक्टर स्केच जो है वो बनाए थे किस टाइटल टाइटल क्या था उसका द बेलमैन ऑफ लंडन तो ये थे थॉमस थॉमस डेकर ऑप्शन इज द राइट आंसर अच्छा डैश अ मिक्सचर ऑफ फॉल्स हुड इज लाइक लॉय इन कॉइंस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर अच्छा अभी टेक्स्ट की लाइन है क्या है मिक्सचर ऑफ फॉल्स हुड विच दिस मेक द मेटल वर्क द बेटर बट इट इन बेस्ट इट इन विच एस एफ बेकन डू दिसन अक्कर बेकन के किस ऐसे में लाइन्स जो है वो मैं मिलती हैं याद रखेगा के मिक्सर ऑफ फॉल्स हुई कॉय ऑफ ट्रुथ एसे जो है वो लिया गई है ये लाइन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर एम सी क्यूज फोर्टी फोर आ प्लेस शिव द मैन एंड इट शिव समू द बेटर एंड समू दर्स बैकन के किस किस ऐसे ये लाइन्स ली गई हैं ऑप्शन डी ऑफ ग्रेट प्लेस इज़ द राइट आंसर फोर्टी फाइव मिल्टन ने जो है वो बहुत सारे पॉलिटिकल जो है वो पैम्फलेट्स लिखे ये शॉर्ट राइट अपस लिखी तो इन्हें क्या कहा जाता था इनके जो उसने पॉलिटिकल पैम्फलेट्स लिखे और शॉर्ट राइट अप्स लिखीं उनको क्या कहा जाता था किस क्या टर्म दी गई उनको ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ट्रैक्ट्स ट्रैक्ट कहा जाता था फोर्टी सिक्स जर्नल कार्ल टेटलर जो है वो कौन लेकर आया किसने इंट्रोड्यूस करवाया ऑप्शन ए रिचर्ड सीले ऑप्शन इज द आंसर। फोर्टी सेवन जो है व्हाट वाज द नेम ऑफ द पिर्डिकल ब्रॉट आउट बाय डेनियल डिफॉय। डेनियल डिफॉय जो पर्योडिकल जर्नल लेकर आए थे उसका क्या नाम था ऑप्शन इज द राइट आंसर द रिव्यू एडिसन और स्ट्रेले ने जो है ठीक है एक जर्नल बनाया था मिलकर नाम क्या था इसका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर द स्पेक्टेटर एम सी क्यू फोर्टी नाइन हु ब्रॉट आउट द जर्नल नेम द आइडलर अच्छा कौन था जिसने आइडलर नाम का जर्नल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर डॉक्टर जॉनसन ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था उन्होंने बनाया था फिफ्टी हुज एस एन आर्टिकल्स आर नॉन एज कवरली पेपर्स कौन सा राइटर है कौन सा ऑथर है जिसके आर्टिकल जो है और ऐसे ऐसे इसको को कवरली पेपर जो है वो कहा जाता है तो ऑप्शन इज द राइट आंसर जोजफ एडिसन फिफ्टी वन आई शेल इनज्योर टू इन लाइट एंड मोरलिटी विद विट विद मोरालिटी किस हु मेड दिस एनव्योर किसने जो है वो ये कहा था ठीक किस है किसकी अलाइंस हैं तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर एडिसन फिफ्टी टू

किसके ऐसे और लेटर्स थे जो के पब्लिश हुए थे किस नाम से द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ओलिवर गोल्ड स्मिथ फिफ्टी फोर एम सी क्यूज हुए पब्लिश अंडर द टाइटल एसेज ऑफ एलिया किसके एसेज जो है वो पब्लिश हुए थे एसेज ऑफ एलिया के नाम से तो ऑप्शन सी हमारे पास है चार्ल्स लैम के एसे जो है वो एसेज ऑफ एलिया के नाम से पब्लिश हुए थे एम 55 हूज ऐसे हैव बिन पब्लिश अंडर द टाइटल एल्फा ऑफ द फ्लो अच्छा किसके ऐसे जो है वो पब्लिश हुए थे एल्फा ऑफ द फ्लो के नाम से ए जी गार्डनर के एम सी क्यू फिफ्टी सिक्स उस ऑथर का नाम बताएं जिसके एसे जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे किसके नाम से फ्रेंडशिप्स गार्डन फ्रेंडशिप गार्डन के नाम से उसके ऐसे पब्लिश हुए थे और आर्टिकल्स भी तो वो राइटर हैं मैथ्यू फिफ्टी फिफ्टी सेवन हु हैज़ पब्लिश ऐसे अंडर द टाइटल आई फोर वन ठीक है किसके ऐसे पब्लिश हुए थे आई फोर वन के नाम से तो ये भी है जे बी प्रसले फिफ्टी एट एम सी क्यूज हु हैज पब्लिश एस एन आर्टिकल एंड द टाइटल स्ट्रेंजर्स एंड ब्रदर्स कौन सा राइडर था जिसके एसेज और आर्टिकल जो है वो स्ट्रेंजर्स एंड ब्रदर्स के नाम से पब्लिश हुए थे तो ये हमारे पास है सी पी स्नो ऑप्शन बी अच्छा फिफ्टी नाइन किसके ऐसे और आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे आर्स इन, ला, इन लाइब्रेरी के नाम से तो ये ऑप्शन इज़ द राइट आंसर लेस्ली स्टीफन के एसेज जो है वो आर्स इन अ लाइब्रेरी के नाम से पब्लिश हुए थे अच्छा किसके ऐसे जो है वो पब्लिश हुए थे द क्राउन ऑफ वाइल्ड ऑलिव के नाम से जो है वो पब्लिश हुए थे ऑप्शन सी जॉन रस्किन के ऐसे जो थे जो कलेक्शन थी वो द क्राउन ऑफ वाइल्ड ऑलिव के नाम से जो है वो पब्लिश हुए थे अच्छा हु इज द ऑथर ऑफ वॉल्यूम ऑफ एसे इन टाइटल मेन वुमेन एंड बुक्स अच्छा जो एसेस की कलेक्शन थी मेन वुमेन एंड बुक्स तो है वो किसने पब्लिश की थी किसका कौन ऑथर है इसका ऑप्शन इज द राइट आंसर ली हंट जो है वो उस कलेक्शन मेन वुमेन एंड बुक्स के ऑथर हैं 62 किसके एसे जो है वो पब्लिश हुए थे द राउंड टेबल के नाम से ऑप्शन डी विलियम हैजलेट इज द राइट आंसर थ्री किसके ऐसे जो है वो पब्लिश हुए थे किस टाइटल से इमेजनरी पोर्ट्रेट्स के नाम से जो है वो पब्लिश हुए थे तो ऑप्शन ए डब्ल्यू एच पेटर जो है वो राइट आंसर है सिक्सटी फोर एम किसके ऐसे जो है वो टाइटल मिड नाइट ऑन द डेजर्ट के नाम से जो है वो पब्लिश हुए थे सी जे बी जो है वो राइट आंसर है इनके ऐसे जो है मिड नाइट ऑन द डेजर्ट के नाम से है. पब्लिश हुए थे सिक्सटी फाइव किसके ऐसे जो है वो करेक्टर ऑफ वर्चुअल वाइस के नाम से जो है वो पब्लिश हुए थे जोजफ हॉल ठीक है राइट आंसर है सिक्सटी सिक्स जो है जोजन विल्सन जो है वो एडिटर था किस मैगजीन का इनमें से किस मैगजीन का जो है वो एडिटर था ऑप्शन ए ब्लैकवुड्स इडनबर्ग मैगजीन के जो है वो एडिटर थे जॉन विल्सन सिक्सटी सेवन विलियम गिफोर्ड जो है वो एडिटर थे ठीक है uh, किसी एक मैगजीन के और इन में से वो मैगजीन कौन है विलियम गिफोर्ड सिक्सटी सॉरी ऑप्शन सी क्वार्टरली रिव्यू के जो है वो ऑथर वो एडिटर थे अच्छा हुज वॉल्यूम एसेज अंडर अंडर द टाइटल थाट्स इन वाइल्डरस था इन वाइल्डरस के नाम से ठीक है इसके एसेज जो है वो पब्लिश हुए थे जेबी प्रेस ले के ऐसे सिक्सटी नाइन कंसाइसनेस ऑफ द रिच वॉज द टाइटल अंडर विच द एस आर्टिकल ऑफ द फॉलोइंग पब्लिश हुआ है वो टाइटल था एस एर आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे अब वो ऑथर कौन है जिसके पब्लिश हुए थे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर सी पी स्नो एम सी क्यू सेवेंटी ठीक है किसने जो है वो करैक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले का जो है वो प्रोज वॉल्यूम लिखा एस का वॉल्यूम लिखा तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर विलियम हैजलेट सेवेंटी वन हु इज़ बिलीव टू बी द अर्लीस्ट नोटेबल राइटर ऑफ बायोग्राफीज़ इन इंग्लिश बायोग्राफीज़ इन इंग्लिश का सबसे पहला राइटर जो है अर्लीस्ट राइटर किसे माना जाता है ऑप्शन इज द ऑप्शन इज द राइट आंसर जॉन जॉन ऑबरे ट इज द टाइटल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ बायोग्राफीज रिटन बाय जॉन जॉन ऑबरे ने जो कलेक्शन लिखी थी बायोग्राफीज की ठीक है उसका टाइटल क्या था ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ब्रीफ लाइव सेवेंटी थ्री द लाइव्स ऑफ जॉन डन जॉर्ज हर्बर्ट रिचर्ड हुकर हैव रिटन इन अ वॉल्यूम बाय अ बायोग्राफर हु इज द बायोग्राफर अच्छा जॉन डन के बारे में जॉन हर्बर्ट के बारे में रिचर्ड हुकर के बारे में ठीक है एक वॉल्यूम में लिखा गई उनकी बायोग्राफी तो बायोग्राफर कौन था आइजक वॉल्टन जो है वो इनका बायोग्राफर था आइजक वॉल्टन ने इन राइटर्स के बारे में लिखा था सेवेंटी फोर ठीक है लाइव्स ऑफ हाउ मैनी पोइट्स हैव बीन रिटन बाई डॉक्टर जॉनसन ने कितने लोगों की लाइव्स के बारे में लिखा था आपने वर्क लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोइट्स तो पॉइंट्स, थे जिनकी लाइफ्स के बारे में डॉक्टर जॉनसन ने लिखा था 75 है डॉक्टर जॉनसन ने जान के किसी एक राइटर की लाइफ के बारे में नहीं लिखा उस वक्त के मौजूदा राइटर के बारे में तो कौन थे वो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर गोल्ड स्मिथ सेवेंटी सिक्स एम सी क्यूज डॉक्टर जॉनसन की जो लाइव ऑफ द इंग्लिश पोइट है पोइट्स है वो कब पब्लिश हुई थी सी इज द राइट आंसर सेवनटीन सेवनटी नाइन में जो है वो पब्लिश हुई थी सेवनटी सेवन अच्छा हु इज द ऑथर ऑफ अ नंबर ऑफ़ बायोग्राफीज अंडर द टाइटल एमिनेंट विक्टोरियंस बायोग्राफीज जो है वो लिखी गई अंडर द टाइटल एमिनेंट विक्टोरियंस तो इसका ऑथर कौन है इसका ऑथर है लेटन स्ट्रेचे सेवेंटी एट डेविड सेसल हैज रिटन ए बायोग्राफी डेविड सेसल ने एक बायोग्राफी लिखी है द स्ट्राइक ठीक है अब किसकी लाइफ के बारे में उन्होंने इसमें लिखा है द स्ट्राइकेंड डेयर में किसकी लाइफ के बारे में लिखा है लाइफ ऑफ कॉपर कॉपर विलियम कॉपर की लाइफ के बारे में लिखा है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर एम सी क्यू सेवेंटी नाइन का ऑथर कौन है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कॉलरेज पता ही होगा आपको सबको बहुत फेमस है ए टी एम सी क्यूज हु हैज़ रिटन द बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर जॉनसन डॉक्टर जॉनसन की बायोग्राफी जो है वो किसने लिखी है सी जेम्स बॉसवेल एम सी क्यूज एटी वन हुज़ रिटन द बायोग्राफी ऑफ नपोलियन निपोलियन की बायोग्राफी जो है वो किसने लिखी थी वॉल्टर स्कॉट ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर एम सी क्यूज एटी टू हु इज़ द ऑथर ऑफ वन हंड्रेड ग्रेट लाइव वन हंड्रेड ग्रेट लाइव का ऑथर जो है वो कौन है ऑप्शन सी इज द रट आंसर ल्यूनार्डो देंसी ये जो है राइट uh, आंसर right है ऑप्शन सी एटी थ्री हुज़ रिटर्न हिज बायोग्राफी अंडर द टाइटल थर्ड वर्ल्ड थर्ड वर्ड जो है ठीक है इसका राइटर कौन है जो ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थर्ड थर्ड वर्ड तो इसके ऑथर हैं डेविड डेचिज एम सी क्यूज एटी फोर किसकी ऑटोबायोग्राफी जो है वो लिखी गई टाइटल के नाम से था ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ सुपर ट्रैम्प तो डब्ल्यू एच की ऑटोबायोग्राफी जो है वो टाइटल की गई की गई ऑटोबायोग्राफी ऑफ अटी फाइव एम सी क्यूज ग्रेस अपाउंडिंग जो है वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है जॉन बनियन की एटी सिक्स वट इज द टाइटल ऑफ ऑब्सर्ट ऑटोबायोग्राफी ऑब्सर्ट सिटल की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है लेफ्ट हैंड राइट हैंड बी इज द राइट आंसर एटी सेवन प्रील इज अ पोइटिकल ऑटोबायोग्राफी ऑफ प्रीलूड जो है द प्रीलूड किस की ऑटोबायोग्राफी है विलियम वर्ड्सवर्थ की ऑप्शन डी इज द राइट आंसर एटी एट ऑटोबायोग्राफी कैरीज द टाइटल कन्फेस्ट ऑफ एन फीमीटर किसकी बायोग्राफी जो है वो इस टाइटल के नाम से है तो ऑप्शन इज द राइट आंसर डी चले एम सी क्यूज एटी एट एटी नाइन हु हैज रिटन द बायोग्राफी ऑफ द ऑफ सर वॉल्टर स्कॉट सर वॉल्टर स्कॉट की बायोग्राफी जो है किसने लिखी है जॉन ट ने जो है वो लिखे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हु हैज रिटन द बायोग्राफी ऑफ बायरन बायरन की बायोग्राफी किसने लिखी है थॉमस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर एमसी क्यूज नाइन्टी वन किसके जो है वॉल्यूम ऑफ एसेस जो टाइटल किए गए हैं एसेस और कौनसल सिविल और मॉरल ठीक है इनमें से कौन सा राइटर है जिसके ऐसे कौन सा सिविल और मॉरल के नाम से जो वो इंटाइटल किए गए हैं तो बेकन जो है वो इज़ द राइट आंसर नाइन्टी टू हूज़ वॉलीम ऑफ एसिस इंटाइटल्ड टिंबर और डिस्कवरीज़ ठीक है ये पहले भी एम सी क्यूज आ चुका है कौन सा राइटर है ठीक है जिसकी जिसकी कलेक्शन ऑफ एसेज का नाम जो है वो डिस्कवरीज़ है बेन जॉनसन इज़ द राइट आंसर एम सी क्यूज नाइन्टी थ्री होजल्यूम ऑफ करेक्टर स्केचेज इज इन टाइटल बेल मैन ऑफ लंडन किसके जो है वो वॉलीम ऑफ करेक्टर स्केचेज को इन टाइटल किया गया है बेलमैन ऑफ लंडन के नाम से तो जोसफ हॉल के जो है का ये वर्क है बेलमैन ऑफ लंडन नाइन्टी फोर होज एस एंड करेक्टर स्केचेज आर कलेक्टेड इन अ वॉल्यूम इन टाइटल एसेज एंड करेक्टर्स ऑफ अ प्रिजन एंड प्रिजनर्स अच्छा कौन सा राइटर है कौन सा उतर है जिनकी कलेक्शन ऑफ एसेस को करेक्टर ऑफ प्रिजनर एंड प्रिजनर का नाम दिया गया जेफरी मैं एम सी क्यूज नाइन्टी फाइव हु ब्रोट वीकली जर्नल इन टाइटल एडवेंचर। अच्छा कौन से में से राइटर है जो वीकली जर्नल जो है वो लेके आया और उस जर्नल का नाम था द एडवेंचर। तो ऑथर कौन है सॉरी uh, वो डॉक्टर जॉनसन जो है वो ये सॉरी uh, ये जर्नल जो है वो लेकर आए थे एम सी क्यूज नाइन्टी सिक्स द इंग्लिश कॉमिक करेक्टर्स का ऑथर कौन है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर विलियम हैजलेट नाइन्टी सेवन द स्पिरिट ऑफ द एज का ऑथर कौन है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर विलियम हीजलट नाइन्टी एट एडन बर्ग रिव्यू का ऑथर एडिटर कौन था तो फ्रेंसिस जेफरी जो है उसके एडिटर uh, थे नाइन्टी नाइन क्वार्टरली रिव्यू का एडिटर कौन था विलियम गिफोर्ड अच्छा ये एमसीक्यूज हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि गिफोर जो है वो आ, एडिटर थे किस जर्नल के क्वार्टरली रिव्यू जिसका जो है वो आंसर बनता था एम सी क्यूज हंडर्ड हु इज़ द ऑथर ऑफ लेटर डे पैम्फलेट्स लेटर डे पैम्फलेट्स का ऑथर कौन है तो इसका राइट right आंसर है थॉमस कार्डिले जी ये जो है वो प्रोज और उसकी मेजर फार्म के हंड्रड जो है वो एम सी क्यूज थे फर्दर नेक्स्ट हम जो है वो सेक्शन सिक्स करेंगे नॉवल और उसकी मेजर फॉर्म्स के Thank you.